प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। मसीह में हम कौन है, हमारा पहचान क्या है, असली में आप कौन है? आपको जो लगता है वो नहीं आप, आपके बारे में दुनिया को जो लगता है वो भी नहीं आप, आपके बारे में बाइबल जो सिखाते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर आपके बारे में जो बोलता है वो है आप। इसलिए आपके बारे में आपका मन जो बोलता है, दुनिया जो बोलते हैं, शैतान जो बोलते हैं, कुछ भी विश्वास नहीं करना। आपके बारे में बाइबल जो बोलता है वही आपको विश्वास करना है। दूसरे कुरिन्थियों पत्र 5:17 बाइबल कहते हैं, जो मसीह में है वे एक नई सृष्टि है। यू आर ए न्यू क्रिएशन, आप एक नई सृष्टि है। पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया है। ये पहचान आपके अंदर होना जरूरी। आप पुराना व्यक्ति नहीं है, हाँ वो पुराना आदमी नहीं है। बपतिस्मा लेते लेने के समय आपको पुराना मनुष्य मर गया, खत्म हो गया, उसको दफना दिया, वो समाप्त हो गया। अब आप मसीह में जन्म लिया, परमेश्वर के द्वारा आत्मा में जन्म लिया। यू आर ए न्यू क्रिएशन, आप एक नई सृष्टि है। ये पहचान आपके अंदर होना चाहिए। पुराना स्वभाव, पुराना आदतें, पुराना सोच, पुराना कोई भी बातें आपका जीवन में ना हो। बाइबल कहते हैं हम शरीर की सारे अभिलाषाओं को उतार कर डाल दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया और उसको नो बपतिस्मा के साथ साथ हमने दफना दिया, खत्म हो गया। आपका पुराना श्राप आपके साथ नहीं रहेंगे, अभी पुराना आदतें आपके साथ नहीं रहेंगे। माँ बाप की बाप दादों से चलते हुए आया बीमारियां या श्राप या कुछ भी अब आपका जीवन में नहीं रह सकता, क्योंकि यू आर ए ब्रांड न्यू क्रिएशन, आप बिल्कुल एक नई सृष्टि हैं। यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया है। अविनाशी बीज यानी कि परमेश्वर की वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा जन्म लिया हुआ एक नई सृष्टि है। आप पुराना नहीं है, पुराना सारे बातें हट गया है, सारे बातें खत्म हो गया है। आप पुराना बातों के बारे में नहीं सोचना, हालेलुया, आप एक नई सृष्टि है। नई बातें सोचना, स्वर्ग की बातें सोचना, आत्मा की बातें सोचना और परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ आशीषों के बारे में, वायदों के बारे में सोचना, आपकी बुलाहट के बारे में सोचना। आप एक नई सृष्टि है, आप परमेश्वर के राज्य में है, आप धर्मी है, आप परमेश्वर का संतान है। गॉड ब्लेस यू, God be with you. Shalom.